समय समय क्या, समय घड़ी, घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में है, घड़ी किसी के हाथ में नहीं है कि कब कौन घड़ी क्या हो जाए। घड़ी है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है, है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम लोग समझते जरूर है कि समय हमारा है, समय हमारा कभी हुआ ही नहीं, समय तो परमात्मा। समय का मतलब, समय का मतलब काल, काल किसी का नहीं। लेकिन एक एक प्रसंग बात और इससे जुड़ती है, क्या कभी शंकर जी का रूप देखना, तो शंकर जी के सिर पर नाग रहता, गले में नाग रहता, बगल में नाग रहता, इसका मतलब क्या है? शंकर जी इसीलिए तो महाकाल है क्योंकि वो काल के भी काल है। अब इनके तो नहीं है नाग जो अब दिखा रहे तुम टीवी में, इनके नहीं है, डाले डर वो तो है, गले में तो है नहीं, हाँ है, है, है। करिया है, सफेद, विदेशी है, ऑस्ट्रेलिया को है का? लगता है सीधा। बोलो सीताराम। तो समय, समय शंकर जी से सीखो, शंकर जी काल को धारण करते हैं। काल को धारण करने का मतलब क्या हुआ? काल को धारण करने का मतलब समय को बांधना, इसलिए बाकी सब देव शंकर जी महादेव। जो समय को बांध ले, जो काल को बांध ले, वही तो महादेव है। बाकी देवता तो चलत समय पर, शंकर जी समय खुद बांधे अपने गले में, काल को स्वयं बांधे, इसलिए उनको कहते महाकाल। क्या कहते हैं? महाकाल।